सड़कों पर जब हम अपनी तेज बाइक या कार दौड़ा रहे होते हैं तो जैसे ही सामने कोई गड्ढा दिखता है तो हम गति को धीरे कर उस गड्ढे के किनारे से अपनी गाड़ी के पहियों को निकाल लेते हैं। हम सभी के गांव कस्बों वाली सड़कों पर दर्जनों गड्ढे दिखते हैं और हर बार वहां से गुजरते वक्त हम अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर छोड़ ब्रेक दबाकर सरकार और प्रशासन को कोसते हुए किनारे से निकल जाते हैं। मगर क्या इतने भर से काफी है? क्या वाकई हम अपने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं? शायद नहीं। देश के प्रति सबसे बड़ा धर्म होता है नागरिकता का धर्म, और इस धर्म को सरकारी व्यवस्था के कारण अपने बेटे को गंवाने वाला एक पिता कई वर्षों से निभा रहा है। एक जानलेवा गड्ढे की वजह से अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देने वाले मुंबई के दादाराव बिल्होरे ने एक मुहिम शुरू की। मुहिम मुंबई की सड़कों पर दिख रहे सारे गड्ढों को भर देने। देश आज दादाराव बिल्होरे को पॉटहोल दादा के नाम से जानता है, जो दूसरों को अपने बेटे के खोने के दर्द से बचा रहे हैं। 28 जुलाई 2015 को मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी। दादाराव बिल्होरे का 16 साल का बेटा प्रकाश 11वीं में दाखिला लेकर बाइक से घर लौट रहा था। प्रकाश के साथ उसका चचेरा भाई राम था, जो बाइक चला रहा था। बारिश के चलते सड़कें पानी पानी हो गई। इस बीच एक गड्ढा आया, बाइक का पहिया उसमें पड़ा और फिर दोनों बाइक के साथ सड़क पर गिर पड़े। राम को हेलमेट ने बचा लिया, लेकिन प्रकाश नहीं बच सका। दादाराव बिल्होरे ने उम्मीदों से भरे अपने बेटे को खो दिया। प्रकाश की मौत के बाद पिता दादाराव ने आंसू पोंछे और मुंबई की सड़कों पर दिख रहे गड्ढों को भरने के लिए अकेले ही निकल पड़े। बाद में उन्हें कई लोगों का साथ मिला और मुंबई ने उन्हें नाम दिया पॉटहोल दादा। दादाराव बिल्होरे कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मेरा बेटा तो सुबह घर से निकलता था, गड्ढे में गिरा और वापस नहीं आया। मैं किसी और के बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मूल कारण में माजा एक मुलगा होता, एकुलता एक मुलगा होता तो प्रकाश बिल्होरे। तो आज सहा महीने पूर्णता झाले त्याला 28 तारखेला। आणि ते झाल्यानंतर परत आम्ही थोडा अफसोस, म्हणजे सगळे घरामध्ये नर्वस होतो, काय करायचं काय नाही, धंदा तर आपला आहे नेहमीचा, पण तो गेला तर आम्ही नर्वस झालो। परत एक असंच एक हादसा झाला की बँड्रामध्ये दोघं नवरा बायको बाईकवर जात असताना एका खड्ड्यामध्ये पडले आणि बाईक पडल्यानंतर बायको पाठीमागची होती ती पडली आणि ती जागेवर ती मरण पावली। मग मी विचार केला की आपणच ह्या खड्ड्यामुळे, सरकार तर मोठे खड्डे बुजवणार, परंतु आपण जे शहर छोटे खड्डे जर बुजवले, ज्याच्याकडे सरकारचं दुर्लक्षच असतं बहुतेक वेळेस, कारण ते मोठे बुजवतात आणि छोट्याला तसंच ठेवून देतात, ते काय करत नाहीत। पण ते केल्यानंतरही आम्हाला ते खड्डे बुजवले तर आपण ते फार लोकांचे जीव किंवा हातपाय तरी मोडणार नाही याची शाश्वती आपण देऊ शकतो। दादाराव बिल्होरे कहते हैं की मैं एक भी गड्ढा भर देता हूँ और उस पर से 10 गाड़ियां भी सुरक्षित गुजर जाए तो मेरे लिए मेरा प्रकाश बचा। ऐसे ही सोचकर मैं गड्ढे भरता हूँ। दादाराव बिल्होरे ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में भी बताया कि 2015 में उन्होंने ये काम शुरू किया था और अब तक वो 1400 से ज्यादा गड्ढे भर चुके हैं। दादाराव हफ्ते में 5 दिन सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं और 2 दिन गड्ढे भरने का काम करते हैं। दादाराव बिल्होरे बताते हैं कि मुझे पुरस्कार राशि के रूप में भी जो पैसा मिलता है मैं इसी काम में लगा देता हूँ। कुछ लोगों की तरफ से मदद भी मिल जाती है। पिछले साल मैंने अपने बेटे के नाम प्रकाश फाउंडेशन की नींव रखी थी, जिसके द्वारा हम मुंबई और इसके बाहर पुणे और ठाणे की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। दादाराव बताते हैं कि मैं हर रोज 100 रुपए अपने बेटे के नाम जमा करता हूं और समझता हूं कि ये पैसे मैं अपने बेटे को पॉकेट मनी दे रहा हूं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।